नमस्कार, सरल संस्कृत व्याकरण अध्ययन में आप सबका फिर से स्वागत है। आज सूत्र लेके आया हूँ जो बहुत ही सरल सूत्र है। विभाषा क्या होती है उसको परिभाषित करता है। सूत्र है नवेति विभाषा। यह सूत्र विभाषा संज्ञा करता है, यानी कि विभाषा क्या है वो आप ये सूत्र जानने के बाद जान जाएंगे। न वेति विभाषा, इस सूत्र में न का मतलब निषेध, वेति में आप देखेंगे तो दो शब्द छिपे हैं, वा इति वेति। तो वा का मतलब होता है विकल्प, इति मतलब अर्थों की, तो न मतलब निषेध, वा मतलब विकल्प, अर्थों की विभाषा यानी विभाषा संज्ञा होती है। अब व्याकरण शास्त्र में निषेध और विकल्प इन दोनों अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। इसका मतलब क्या है, अब संपूर्ण व्याकरण वाङ्मय में कहीं भी विभाषा ऐसा शब्द आए, मतलब विभाषा ये शब्द आपको दिखाई पड़े, तो उस शब्द का क्या तात्पर्य होगा कि उस जो भी काम विभाषा कहा जा रहा है वह काम निषिद्ध भी होगा एक बार, और एक बार उस काम का विकल्प भी होगा, यानी वो काम होगा भी और नहीं भी होगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, विभाषा दिक समासे बहुव्रीहौ, विभाषा जसी, शेषे विभाषा, विभाषा कर्मकात, इत्यादि अनेक विभाषा के उदाहरण हैं। सूत्रों में बहुत सारे सूत्र हैं, लगभग 100 के आसपास सूत्र होंगे जिसमें विभाषा दिखता है। उदाहरण कुछ ये लिख लेते हैं जो सिद्ध करके मैं बताऊंगा। सुसाव है, शिष्वाय है, सुषुवतु है, शिष्वीयतुः है, दक्षिण पूर्वाय, दक्षिण पूर्वस्य, इत्यादि उदाहरण है। इन सभी उदाहरणों में विभाषा, ये देखिए, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, ये लिखना छूट गया, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ इत्यादि सूत्र लगेगा और फिर वो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी, वही कार्य होगा। देख लेते हैं नवेति विभाषा, ये पहले अध्याय के पहले पाद का 43 नंबर सूत्र है। प्रथमावृत्ति में ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी कह रहे हैं, न यह अव्यय है, वा भी अव्यय है, इति भी अव्यय है, न वा इति, ये तीनों के तीनों अव्यय हैं। विभाषा प्रथमा एकवचन है। अर्थ क्या होता है, न ये निषेधार्थ, वा इति विकल्पार्थ, न इति निषेधार्थ, वा इति विकल्पार्थ, अनयोर निषेध विकल्पार्थयोर विभाषा संज्ञा भवति। इन दोनों की, निषेधार्थ और विकल्पार्थ की विभाषा संज्ञा होती है। उदाहरण है वही जो मैंने 5-6 दिखाए, वही 6 उदाहरण है। इसका भाषार्थ क्या होगा, न वेति यानी निषेध, वा यानी विकल्प, इन अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। विशेष यहां पर क्या है कि यहां पर न और वा इन दो शब्दों की विभाषा संज्ञा नहीं होती, अपितु न का जो अर्थ है निषेध, वा का जो अर्थ है विकल्प, इन दोनों अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। क्योंकि इति बीच में जोड़ दिया है, नहीं तो केवल नवा विभाषा कह देते, इति लिख दिया है, इस इति से मतलब चलता है कि उसका अर्थ है। सूत्रों में इति पद जहां लगता है वहां उस शब्द के अर्थ का बोध कराता है, ये देखिए वही बता रहे हैं, उस पद के स्वरूप का नहीं, यानी केवल न की विकल्प, न की विभाषा संज्ञा नहीं होगी, वा की विभाषा संज्ञा नहीं होगी, न का जो अर्थ निषेध है उसकी विभाषा संज्ञा होगी, वा का जो अर्थ विकल्प है उसकी विभाषा संज्ञा होगी। उदाहरण से इसको एकदम से स्पष्ट करेंगे, तो यतः यहाँ नवेति विभाषा में इति जो अर्थ लगा दिया गया है उससे पता चलता है कि इति है ये अर्थ का बोधक है। उदाहरण देखेंगे, दक्षिण पूर्वस्य, दक्षिण पूर्वायै, ये दो उदाहरण है। दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशोः अंतरालम्, दिङ् नामान्यन्तराले सूत्र से दक्षिण और पूर्व इन दोनों दिशाओं का बहुव्रीही समास हुआ, दोनों दिशावाचक शब्दों का, दक्षिणादिक और पूर्वादिक, दक्षिणी दिशा और पूर्व दिशा का दोनों का अंतराल, दोनों के बीच का भाग, ऐसा बोध कराना है उस अंतराल अर्थ में, यानी बीच, दोनों दिशाओं के बीच के भाग के अर्थ में दिङ् नामान्यन्तराले सूत्र से समास हुआ। तो मूलतः जब समास होने के बाद शब्द बनेगा दक्षिण पूर्वा, उसकी प्रक्रिया अलग है लेकिन वो यहाँ का विषय नहीं है। दक्षिण पूर्वा बन जाएगा, जब दक्षिण पूर्वा शब्द बना उससे हमको चतुर्थी एक वचन में ज्ञे प्रत्यय लगाना है, सौजसम औष्ठष्टाभ्याम भिस्मेभ्याम भ्यस वाला ज्ञे,
केवल हमको विभाषा इसी से लेना है, नहीं सुअ उजस इत्यादि से हमको नहीं लेना, केवल ज्ञेय आएगा उसमें ही विभाषा हमको दिखेगा क्या है। तो अब ये जो ज्ञेय प्रत्यय आता है सौजस सूत्र से, उस ज्ञेय प्रत्यय में से केवल ए बचता है। इस ए, क्योंकि ङ है वो कवर्ग में आता है और ल, स और कवर्ग यदि प्रत्यय के आदि में हो, प्रत्यय के प्रारंभ में हो, तो लसक को तद्धिते सूत्र लग जाता है, उसकी इत संज्ञा कर देता है और तस्य लोपः लोप कर देता है। तो ङ की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, केवल ए बचेगा, दक्षिण पूर्वा ए, ऐसी स्थिति थी। तभी सूत्र लगेगा सर्वनामनः शाट ढ्रस्वश्च। सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम शब्द के बाद, सर्वनाम यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके बाद शाट आगम होता है, ठीक। और वह शाट आगम किसको होता है, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग हो और उस स्त्रीलिंग के बाद यदि गीत प्रत्यय पीछे हो, गीत प्रत्यय यानी ङ की संज्ञा हुई हो, ऐसा प्रत्यय पीछे हो, तो उसको स्याट आगम होता है। स्याट आगम होगा या टित है, ट की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपः से लोप हो जाएगा, स्या बचता है स्याट में से, तो दक्षिण पूर्व स्या ए। और ये देखिए दक्षिण पूर्वा का दक्षिण पूर्व भी हो गया, ह्रस्वश्च ये भी कह रहा है, स्याट करता है ह्रस्व भी करता है, कब, सर्वनाम को। तो विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सूत्र से यहाँ पर विभाषा सर्वनाम संज्ञा हुई है। विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सूत्र के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सूत्र से यहाँ पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई है, और सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई है तो क्या होगा, यदि सर्वनाम संज्ञा मानेंगे तो सर्वनामनः स्याट ह्रस्वश्च लगेगा, स्याट आगम होगा, ह्रस्व भी हो जाएगा, पूर्वा का पूर्व हो जाएगा, स्याट का स्या ए, दक्षिण पूर्व स्या आई ए जोड़ेंगे, या और में जो आ है और ये ए वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि रेची से आई हो जाएगा, दक्षिण पूर्व स्या ही बन जाएगा। इसी तरह यदि सर्व क्या है, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सूत्र क्या कहता है, दिशावाचक शब्दों का समास हो, बहुव्रीही समास हो, तो वह सर्वनाम संज्ञक विकल्प से होता, विभाषा होता है, विभाषा यानी सर्वनाम संज्ञक संज्ञा का व यानी विकल्प भी होगा और न यानी कि निषेध भी होगा। तो सर्वनाम संज्ञा का यह निषेध हो जाएगा, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो दक्षिण पूर्वांगे वही की वही स्थिति है, लेकिन दक्षिण पूर्वा स्याट नहीं आएगा, यहाँ याट आएगा, याट आपहा आकारांत शब्दों के बाद याट आगम होता है, यदि सर्वनाम संज्ञा न हो तो, सर्वनाम होता तो स्याट आता, सर्वनाम नहीं है तो याट आया, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा का यहाँ निषेध भी हो गया है। विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ में जो विभाषा कहा गया है उसका मतलब है कि सर्वनाम संज्ञा का वा भी होगा यानी विकल्प भी होगा और न भी होगा यानी नहीं भी हो गया, तो निषेध हो गया, इसलिए यहाँ याडापह सूत्र लगेगा और दक्षिण पूर्वा याट, दक्षिण पूर्वा या, दक्षिण पूर्वा या ए जुड़ेगा, दक्षिण पूर्वा यई या में जो आ है और ए ये वृद्धि हो जाएगी, यही हो जाएगा। देखिए विशेष क्या है, इन दोनों उदाहरणों में विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सूत्र से सर्वनाम संज्ञा विभाषा होती है, जिससे सर्वनाम संज्ञा के पक्ष में, सर्वनाम संज्ञा जब मानी जाएगी तो सर्वनामनः स्याट ढ्रस्वश्च सूत्र से स्याट का आगम होगा और ह्रस्व भी होगा, अन्यथा यदि सर्वनाम संज्ञा का अभाव माना जाएगा, सर्वनाम संज्ञा नहीं है ऐसा मान लिया जाएगा, तो स्याट भी नहीं होगा, ह्रस्व भी नहीं होगा और याडापह सूत्र लगेगा, याट आगम होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं, सुसाव और शिश्वाय। सुसाव में टू ओ स्वी धातु है, टू ओ स्वी में केवल स्वी बचता है, तो स्वी धातु मान लिया, स्वी धातु में लिट लकार है, परोक्ष लिट सूत्र से लिट लकार हुआ, परोक्ष अर्थ में लिट लकार हुआ, उस लिट में से जब केवल ल बचता है तो उसके स्थान पर तिप आता है, तिप्त सिद्धस्थम इवस्मस्ताताम सिथासाथाम धुम इडभि महीन, उस तिप के स्थान पर भी ये स्वी धातु परस्मै पदी है, इसलिए परस्मै पदानाम ल तुसु स्थल थुसणल्वमाह सूत्र से तिप के स्थान पर रणाल आ जाता है, तस के स्थान पर अतुस आता है और झी के स्थान पर उस आता है,
सिप के स्थान पर थल आ जाता है, थस के स्थान पर अथुस आता है, थ के स्थान पर अ आता है, फिर मिप के स्थान पर णल, वस के स्थान पर व और मस के स्थान पर म, ये क्रम से होते हैं परस्मै पद में। तो तिप के स्थान पर णल आ गया। अब वो णल में से ल की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, ण की चुटू से संज्ञा हो जाएगी, दोनों का तस्वलोपा से लोप हो जाएगा, ण के बाद जो अ है वही बचेगा केवल। तब ऐसी कैसी जब स्वी और अ केवल यही स्थिति रहेगी, स्वी और अ, ये तो मैंने प्रक्रिया बता दी है क्या स्टेप है वो। अब स्वी में आप देखेंगे तो स व ई ये तीन वर्ण है, विभाषा स्वे सूत्र लग जाएगा, वो स्वी को विकल्प से विभाषा यानी कि स्वी का सर्वनाम स्वी के वो संप्रसारण करेगा, विभाषा स्वे है और संप्रसारण करेगा यानी कि स्वी में जो य व र ल में से कोई भी वर्ण है उसके स्थान पर इक कर देगा यानी उ कर देगा, स्वी में जो व है उसके स्थान पर उ कर देगा, संप्रसारण करेगा। अब देखेंगे तो ये संप्रसारण चूजिए, देखिए पहले विभाषा स्वे से संप्रसारण हो गया तो व के स्थान पर उ आ गया, देखिए स आधा था वो वैसे के वैसे है, व के स्थान पर उ आ गया और ई ऐसे ऐसे, तो स उ ई प्लस अ ये अड़ल का आ है। अब इसके बाद उ और ई इन दोनों वर्णों में संप्रसारणाच्या से पूर्व रूप हो जाएगा, संप्रसारणाच्य सूत्र कहता है संप्रसारण होने के बाद पूर्व रूप हो जाता है, दो वर्णों में पूर्व वाला ही बचता है, पूर्व वाले में ये उत्तर वाला वर्ण पूर्व में विलीन हो जाता है, तो इसमें विलीन हो जाएगा केवल उ बचेगा, तो स उ अ यानी सु अ ऐसी स्थिति होगी संप्रसारणाच्य सूत्र से पूर्व रूप होने के बाद। अब इस जो सु है उसको द्वित हो जाएगा क्योंकि ये लिट लकार है, लिट लकार के टिप के स्थान पर जो अणल हुआ था वही अणल प्रत्यय का पीछे है, इसलिए लिट धातु और अनाभ्यासस्य सूत्र से सु को द्वित हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो सु सु अ। अब ये जो दूसरा वाला सु है ये पीछे अ प्रत्यय जो बचा है ये अणल प्रत्यय का है, अणल अणित है, इसमें अण की संज्ञा हुई है इसलिए अचो अणिति सूत्र लग जाएगा, तो ये उ है उसको वृद्धि होगी औ हो जाएगा, सु सऊ अ, ये औ है फिर इसको एच वायावा सूत्र से औ के स्थान पर आव हो जाएगा, वही तो स आधा बचा सु स आधा बचा और उसके स्थान पर आव आ गया, सुसा आव अ सुसाव बन जाएगा। अब देखिए यहां पर हमको इस सूत्र का केवल विषय ये विभाषा स्वे है, नवेति विभाषा सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं वो सूत्र कहता है कि कहीं भी पूरे व्याकरण वाङ्मय में विभाषा ऐसा शब्द आए तो उससे क्या अर्थ लेना है कि वो काम का विकल्प भी होगा, वो काम होगा भी, स्वेह को संप्रसारण होगा भी और स्वेह के संप्रसारण न भी होगा यानी उसका निषेध भी होगा, तो संप्रसारण का निषेध होगा तो क्या होगा, आप देखिए यहाँ श्री अणल वही स्थिति है, लिट हुआ लिट के बाद तिप हुआ तिप के बाद अणल हुआ वही स्थिति है, श्री अणल अ श्री अ यही वही स्थिति है, लेकिन संप्रसारण नहीं हुआ तो इसको श्री को ही द्वित्व हो गया, संप्रसारण होके सु नहीं बना तो सुई को ही द्वित्व हो गया, सुई सुई अ, फिर सुई में से जो यहाँ देखिए यहाँ सु था ना केवल, ये एक ही व्यंजन वर्ण वाला था, यहाँ दो व्यंजन वर्ण वाले हैं इसलिए हलादि शेषा से एक ही व्यंजन बचेगा, तो सी बचेगा केवल, व का लोप हो जाएगा सी सुई अ, फिर अब अचवणिति से सुई में ई है उसको वृद्धि होगी तो स्वई हो जाएगा, यहाँ ऊ को वृद्धि हो रही थी तो औ हो गया था, यहाँ ई को वृद्धि होगी तो आई हो जाएगा, तो सी स्वई अ आई के जगह पे एचो ये वायावा से आय हो जाएगा, सी आय स्वाय बन जाएगा। तो इस तरह से केवल जो ये सूत्र है नवेति विभाषा उसका केवल संक्षेप में यह अर्थ हो सकता है कि संपूर्ण व्याकरण में कहीं भी यदि विभाषा ऐसा ग्रहण किया जाए तो उस विभाषा का अर्थ क्या होगा कि जो काम कहा गया है उसका विकल्प भी होगा, यानी वो काम होगा भी और उसका निषेध भी होगा, यानी वो काम नहीं भी होगा। अस्तु आज के सूत्र में इतना ही, उदाहरण से आप सब समझ गए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है।